गुजरात में कल बेमौसम हुई मूसलाधार बारिश से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की चपेट में आए 14 लोगों की जान चली गई है। सरकारी विभाग के मुताबिक इन सभी 14 लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई गई है। भारी बारिश की चपेट में आकर के 40 मवेशियों की भी मौत हुई है और भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर गुजरात के अमरेली, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, बोटाड, पंचमहल, खेड़ा, सबरकांठा, सूरत और अहमदाबाद जिलों में पड़ा है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली है। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के इलाकों में मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि गुजरात के विभिन्न शहरों में खराब मौसम और बिजली गिरने से कई लोगों की मौत की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ है। जिन लोगों ने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है उनकी अपूर्णीय क्षति पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। स्थानीय प्रशासन राहत कार्य में लगा हुआ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर में आज मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, वहीं धुंध भी कायम है। आज दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी होने के आसार हैं, जिसके चलते ठंड अब बढ़ेगी। बूंदाबांदी के चलते वायु प्रदूषण से भी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो नई दिल्ली का AQI 375 है, जबकि कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि बूंदाबांदी होने के चलते प्रदूषण से राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग का कहना है कि इससे तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। शर्मा हूँ, मैं रेलवे हॉस्पिटल में काम करता हूँ। दिल्ली में पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। पिछले 3-4 हफ्ते पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, जब AQI हमारा 450 तक था, बिल्कुल ग्रीवियस स्टेज में था। अभी भी थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। पोल्यूशन की वजह से काफ़ी दिन तक हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो मतलब शरीर में थोड़ा सा ज़रूरत लगने लगी थी एक्सरसाइज करने की। तो पिछले 2-3 दिन से मैं निकला हूँ, लेकिन दिन में मेरे को थोड़ा खांसी रहती है, ये सब पोल्यूशन के कारण है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर पुण्य के डुबकी लगाने के लिए काशी के गंगा घाटों पर अस्तवानों का रेला सुबह से उमड़ा हुआ है। प्रमुख गंगा घाटों पर स्नान, ध्यान और दान पुण्य के साथ मंदिरों में दर्शन पूजन का दौर कपाट खोलते ही शुरू हो गया। काशी में अलग अलग घाटों पर पुण्य की कामना से अस्तवानों ने डुबकी लगाई और जरूरतमंद में आपको बता दें कि धन और वस्त्र आदि दान किए गए। कार्तिक पूर्णिमा पर अस्तवानों का रेला पूर्वांचल के प्रमुख नदियों पर भी उमड़ा और लोगों ने स्नान दान के साथ प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन की परंपरा का भी निर्वहन किया। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि श्रद्धा, भक्ति और दैवीय उपासना की भारतीय परंपरा से प्रकाशित पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की असीम शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह पावन अवसर देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में नई रौनक और स्फूर्ति लेकर के आए। तो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, हम तो बहुत दूर से आया है, इसलिए कि ये स्नान बहुत अच्छा होता है सबके लिए। कहाँ से आए हुए हम? कलकत्ता से आया है। कलकत्ता से तो ट्रेन में नहीं आ सके, इसलिए फ्लाइट से आया है। ये स्नान करने के लिए सिर्फ आया है। यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, हम तो सुबह सुबह आया है, स्नान कर लिया है, अभी पूजा देने जाएंगे। तो सब लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे बहुत पुण्य माना जाता है, यहाँ पे बहुत पुण्य माना जाता है। आज के दिन स्नान करने से बहुत पुण्यता मिलता है। तो अब